इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं करनाल के K3C मॉल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से पुलिस की तमाम टीमें यहां पर मौके पर पहुंची हैं, तमाम लोग यहां पर इस समय मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत जरूर करेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से आप देख सकते हैं, इलाका DSP भी मौके पर पहुंच जाती है, थाना SHO मौके पर पहुंच जाते हैं, इस समय चौकी इंचार्ज यहाँ पर मौजूद है। विकास जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली थी? एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मॉल के पास कोई झगड़ा हो गया, उस सूचना पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पूछताछ तो बता रहे हैं। चक्कू वगैरह चले हैं काफी, वो एक बार देख रहे हैं, अभी उन्होंने बताया है उसके बारे में। तो घायलों को ले गए सर? हाँ, वो हॉस्पिटल जा सकते। तो आज शाम वाला झगड़ा तो नहीं, शाम वाले लोग तो नहीं आए? अभी इस चीज के बारे में तो क्या बताया जा सकता है। तो बिल्कुल आप बताएं सर, क्या हुआ? बड़े भैया, हम अपने बच्चों के साथ मूवी देखने आए थे, एक मियां बीबी आते हैं, वो साथ में कोक की बोतल लेके आते हैं, उसके अंदर शराब लेके आते हैं। वो पहले आगे हमें बोलते हैं आप बदतमीजी, हम क्यों बोलेंगे बदतमीजी से, फिर हम तो बच्चों के साथ, हम क्यों बदतमीजी, हमारे घर में लड़की है, बहू है, सारे काम है। तो आके कहते भी हम हमने शराब पीता रहा, नशा जैसे चढ़ता रहा, बच्चों का लगा गलत लैंग्वेज बोलने लगा, अंदर फिल्म देखते हुए। हाँ, अंदर जैसे गांधी फिल्म के अंदर उसके अंदर जुनून आ गया जैसे है, तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने कहा भाई आराम से टिक के बैठ जा। कितनी देर में उसने अपने लड़कों को बुला लिया तो बाहर से फोन, हम तो रिलैक्स हो गए, हमारा कोई मन थोड़ी था। झगड़ा अंदर ही करा है, बाहर लाके करा? उन्होंने जैसे गाली गलौज देने लगे, उन्होंने अपने बंदे बुला के हमारे को अंदर कर दिया। अंदर मॉल के अंदर ही कितने लोग थे? वो 8-10 जाने थे। आप देख सकते हैं, क्या आपके पापा हैं? हाँ जी, और मुझे मेरे यहाँ पे हाथ में रोड़ा गया, गर्दन पे भी मारा गया, कहता तू क्या कर लेगा। तो कौन लोग हैं, पहचान हुई उनकी? कोई गाड़ी नंबर नोट हुआ सिर्फ, और इतनी जोर के मारा, कहता तू क्या कर लेगा, तो तेरे जो बाहर भाग गया ना उनको तो मैं देख लूंगा। तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, आप देख सकते हैं बच्चे साथ में थे, परिवार साथ में था, और किस तरह से बड़ा झगड़ा हो जाता है, अंदर तक जो है आकर किस तरह से ये हमला किया जाता है। एक परिवार जो अपने बच्चों के साथ फिल्म देख रहा था, आप देख सकते हैं बाहर से बदमाश युवक बुलाकर उनके ऊपर जो है ये कातिलाना हमला बोल दिया जाता है। सूचना मिलते ही हालांकि 112 की जो टीमें आप देख सकते हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। करनाल में बदमाशी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, बेखौफ है बदमाश, और इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल की जहां पर आप देख सकते हैं K3C मॉल के बाहर इस समय हम मौजूद है। अब CCTV कैमरे की फुटेज को जरूर खंगाला जाएगा, आप देख सकते हैं सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? CCTV कैमरे की फुटेज खंगालेंगे, इन चीजों को देख के चेक किया जरूर किया जाएगा और चेक करके पता लगाया जाएगा कि कौन है। तो अंदर तक पहुंचे हैं बदमाश, अभी एक बार देख रहे हैं, कैमरा देख के पता लगेगा उसके बारे में या इनकी पूछताछ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम टीमें हैं वो इस समय मौके पर पहुंच जाती हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल में बदमाशी बढ़ने का नाम लेती हुई नजर आ रही है, बदमाशी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज दिन में हमने आपको दिखाया था करनाल के सेक्टर 13 मुगल कनाल पे भी जो है काफी बदमाश युवक ने जमकर उत्पात मचाया, हथियारों से लैस होकर जो है बदमाश जो है घूम रहे थे। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं K3C मॉल के बाहर ही एक परिवार जो अपने बच्चों के साथ फिल्म देख रहा था, एक कहासुनी हो जाती है कपल के साथ, और उसने बदमाश बुलाकर आप देख सकते हैं इस परिवार पर हमला बोल दिया। आप अपने बच्चे के साथ ही आए हुए थे या कोई महिलाएं भी थी? महिला तो था, बच्चों के साथ कहने की बात, अगर महिलाएं होती तो क्या हो जाता? तो वो सुरक्षा तो है ही नहीं, तो है ही नहीं, इनकी जो गार्ड्स हैं उनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो कहते हैं भाग जो ऐसे, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। अगर हम भागने के लिए तो यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखे हैं? ऐसी तो पहले पहचानते थे, कोई दुश्मनी है? कोई पहचानते नहीं थे। कैसे आप फिल्म देखने आए थे और क्या करने आए? कितने लोग थे आप? दो ही थे? हम तो दो, यानी कि चार जाने थे, एक बच्चा था, यानी कि दो बच्चे थे। तो कहने मतलब उन्होंने बंदे बुलाए हमारे पे ऊपर, फिल्म के अंदर ही झगड़ा हुआ? फिल्म के कहाँ के रहने वाले, कोई पहचान हुई उनकी? वो सिर्फ गाड़ी नकाब पोस्ट थे या नहीं, सारी वीडियो बनी हुई है, हथियार भी ले रहे थे कोई? वो वहाँ पे अंदर रोड पड़ी थी ना, और एक चक्कू ले रहे हैं, वो रोड मारी है मेरे को जैसे टांग पे और यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप देख सकते हैं सुभाष गेट के रहने वाले विक्की शर्मा है। किस तरह से आप समझ सकते हैं पूरा जानलेवा हमला हो जाता है एक परिवार पर। पुलिस की तमाम टीमें आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से पूछताछ करने अंदर जाती हुई नजर आ रही है। लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं करनाल के K3C मॉल में, जहां पर जबरदस्त हंगामा होता है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, CCTV कैमरा की फुटेज खंगाली जाएगी। आप देख सकते हैं कैमरे यहां भी लगे हुए हैं, CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जाएगी ताकि ऐसे बदमाश युवकों के चेहरे साफ साफ देखे जा सके जिन्होंने अंदर आकर जो है हमला किया। और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है, CCTV कैमरे की फुटेज खंगालती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं CCTV कैमरे की फुटेज खंगालेंगे, जिसके बाद उन बदमाश युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के हर्षा K3C मॉल से।
जो भाई थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। गोलू जी क्या बताना चाहेंगे, कैसे हमलावर कौन थे वो? सर हम मूवी देख रहे थे, हम छह जने थे, वो पीछे फैमिली आगे बैठ के वो भी मूवी देख रही थी। वो कोक में ड्रिंक कर रहे थे, वो बार बार अब्यूसिंग कर रहे थे, तो हमने कहा भाई ऐसे ना करो। उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बाहर से बंदे बुलाए और वो मारपीट चालू कर। कितने लोग थे वो? सर 3 से 4 लोग थे। वो अकेला कपल था अंदर? अंदर कपल और एक उनके साथ छोटा बच्चा था, और वो कोक में ही ड्रिंक लेके आए थे। 6-7 बदमाशों को बता रहे हैं बुलाए उन्होंने? हाँ जी सर। अंदर आके उन्होंने पिटाई करी? कितने लड़कों को मारे चक्कू? सर एक लड़के को चक्कू ज्यादा लगा है, वो ट्रॉमा सेंटर। आपने भी उनकी तरफ से भी कोई गलत शब्द बोले गए होंगे तभी झगड़ा हुआ या नहीं? नहीं नहीं, वो अब्यूसिंग कर रहे थे, तो बस उनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम उनको ड्रिंक ज्यादा चढ़ी, उनको मूवी देख के उनके अंदर भी गांधी आ गए, उन्होंने लड़के बुला के मारना चाहिए। फिल्म कौन सी थी? गांधी 3 सर। गांधी 3 फिल्म चल रही थी, आप देख सकते हैं उसी में जो है, आप देख सकते हैं जोश में होश खो दिया, एक बच्चा साथ में मौजूद था, आप देख सकते हैं दो बच्चे आपके साथ थे। हाँ जी। वो कपल था पहले? सर कपल था, बट वो कोक की बोतल में ही ड्रिंक लेके आया था सर, तो उसके बाद झगड़ा हुआ। हाँ जी सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार पर जो है हमला बोल दिया जाता है। आप देख सकते हैं एक परिवार जो फिल्म देख रहा था, छोटा बच्चा, दो छोटे बच्चे भी साथ थे। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, हर्षा K3C मॉल के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर करनाल की अगर बात करें तो करनाल में बदमाशी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से जो CIA की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि बदमाश युवक जो है चाकुओं से हमला कर जो है फरार हो गए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक मॉल के अंदर एक परिवार फिल्म देख रहा था, दो बच्चे भी साथ थे, एक कपल के साथ कहासुनी होती है, और कपल ने बताया जा रहा है, आरोप यह है कि 6 से 7 बदमाश युवक अंदर बुलाए और उन 2 से 3 लड़कों पर जो है जानलेवा हमला बोला, चाकू से हमला बोला, और उसके बाद जो है वो फरार हो जाते हैं। इस समय आप देख सकते हैं CIA की टीमें भी यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से देख सकते हैं, जहां पर CIA की जो टीमें हैं वो इस समय यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है। CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई है ताकि जल्द से जल्द उन बदमाश युवकों को पकड़ा जा सके। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं हर्षा K3C मॉल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं CIA टीमें मौके पर पहुंच जाती है। मामले की पूरी गहनता से जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। K3C मॉल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं K3C मॉल के बाहर इस समय हम मौजूद है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे बदमाश युवक आते हैं और अंदर एक परिवार जो अपने बच्चों के साथ फिल्म देख रहा था उनके साथ अंदर ही बदमाशी की जाती है, मारपीट कर फरार हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं करनाल में बदमाशों के हौसले किस हद तक बुलंद है। हमने आपको दिन में दिखाया जहां पर हथियारों से लैस होकर कुछ बदमाश युवक दिन में भी जो है सेक्टर 13 मुगल कनाल पर सरेआम घूम रहे थे। पुलिस की तमाम टीमों ने तवीश दी, जिसके बाद कुछ एक युवकों को पकड़ लिया गया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस समय आप ये फिर तस्वीरें देख सकते हैं, एक कपल बताया जा रहा है अंदर जो है फिल्म देख रहा था, गांधी 3 जो फिल्म लॉन्च हुई है वो देख रहा था, और उसके बाद एक और अंदर परिवार बैठा था 2 बच्चे और 4 लोगों के साथ, उनसे कुछ कहासुनी हो जाती है और कपल पर आरोप है कि उन्होंने बाहर से कुछ बदमाश युवक बुलाए और उनके अंदर फिल्म देखते समय ही उनके ऊपर जो दूसरा परिवार था उन पर हमला बुलवा दिया, जिसमें 2 लोग जो है घायल हो जाते हैं, जिनको चाकू भी लगे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 12 में स्थित जो जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने है हर्षा K3C मॉल, वहां से इस समय आप देख सकते हैं जहां पर बदमाशों के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं रह गया, जिसके चलते आप देख सकते हैं दिन दिहाड़े CCTV कैमरे होने के बावजूद पूरे मॉल में अंदर घुसकर जो है बदमाशी करते हैं, चाकुओं से कई वार किए जाते हैं और उसके बाद बदमाश युवक यहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें हरकत में आती हैं, CCTV कैमरे की फुटेज अपने कब्जे में ले ली गई है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। कमल मिंडा करनाल में।